हेलो, मैं डॉक्टर तृप्ति बेर्डे। आज का टॉपिक है एक्टिव मोमेंट्स वर्सेस पैसिव मोमेंट्स। सबसे पहले मैं आपको एक्टिव मोमेंट्स क्या है और पैसिव मोमेंट्स क्या है वो एक्सप्लेन करती हूँ। अगर पेशेंट खुद से जॉइंट हिलाता है, खुद मोमेंट कर रहा है, तो उसे हम एक्टिव मोमेंट्स कहेंगे। और अगर पेशेंट खुद उसके हाथ या पैर नहीं हिला पा रहा है, मैं हिला रही हूँ उसका हाथ या पैर, तो इसे कहेंगे पैसिव मोमेंट्स की उसको फिजियोथेरेपिस्ट या उसके रिलेटिव्स उसको एक्सरसाइज करवा रहे हैं, तो वो होते हैं पैसिव मोमेंट्स। जनरली एक मिसकंसेप्शन मैंने सुना है, हमेशा देखा है कि जेंटल मोमेंट्स इज इक्वल टू पैसिव मोमेंट्स, स्पेशली इन आरए पेशेंट्स। अगर पेशेंट आता है लॉन्ग टर्म डिजीज के साथ, जहाँ पे उसको डिफॉर्मिटीज है और मसल्स काफ़ी वीक है, जॉइंट्स स्टिफ है, एक चीज हमें याद रखना चाहिए एज अ फिजियोथेरेपिस्ट कि कभी ना कभी वो पेशेंट को स्टीरॉयड्स दिए गए थे या चल रहे हैं, जिनकी वजह से उनके बोन्स में कैल्शियम कम है, ऑस्टियोपोरोसिस रहेगा। और एक रीजन होता है कि अगर लॉन्ग स्टैंडिंग डिजीज रह चुका है पेशेंट को, तो डेफिनेटली उनका फिजिकल एक्टिविटी लेवल काफी कम रहा होगा। वो एक और रीजन होता है जिसकी वजह से उनका बोन्स में से कैल्शियम कम रहता है, और वो एक और रीज़न है जिसकी वजह से उनको ऑस्टियोपोरोसिस रहेगा। सो जब ऐसा पेशेंट आपके पास आता है जिनका जॉइंट डिफॉर्म्ड है, और उनका इम्प्रूवमेंट लेने के लिए अगर फिजियोथेरेपिस्ट पैसिवली उनको स्ट्रेचेस देंगे या मूवमेंट्स करेंगे, तो बोन फ्रैक्चर होने के काफ़ी रिस्क रह सकती है, हाई रिस्क रहती है। तो ऐसे पेशेंट्स में एक्चुअली क्या करना चाहिए, उनको ग्रेजुअल, उनका मोर ऑफ पेन रिलीफ करके गार्डेड जेंटल फिजियोथेरेपी एक्टिव मूवमेंट्स करवाना चाहिए देन पैसिव मूवमेंट्स, और फिर ग्रेडेड मैनर में सेफली उनका मोबिलिटी बढ़ा के, स्ट्रेंथ बढ़ा के एक्सरसाइज बढ़ानी चाहिए। और जब काफ़ी अच्छा स्ट्रेंथ आएगा, उसके बाद आप उनको पैसिव स्ट्रेचेस या पैसिव मूवमेंट्स जहाँ पर ज़रूरत पड़ेगा उतना ही नीड बेस्ड देना चाहिए। सो द कंक्लूजन इज पैसिव मूवमेंट्स आर नॉट सेफर, टू बी ऑनेस्ट। उनको एक्टिव मूवमेंट्स देना चाहिए। अगर उनका पेन कम कराना है तो आप उनको वार्म वाटर के अंडर भी एक्सरसाइज करा सकते हो, क्योंकि वार्म वाटर से उनका पेन काफ़ी कम हो जाएगा, वाटर का बॉयंसी काफ़ी हेल्प करेगा उनका मोबिलिटी लेने के लिए, एंड दे विल रिकवरी विल बी मच फास्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मैं थोड़ा ट्रीटमेंट टेक्निक्स के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ, रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट्स के बारे में।